अस्सलाम वालेकुम। एक दफा हारून रशीद का एक बेटा गुस्से में भरा हुआ बाप के पास आया और कहा कि फिलां सिपाही के लड़के ने मुझे माँ की गाली दी है। हारून रशीद अरकान दौलत से पूछा कि ऐसे आदमी को क्या सजा देनी चाहिए। एक ने जबान काटने की राय दी और दूसरे ने जायदाद की जब्ती और मुल्क बदर करने की सजा तजवीज की और एक ने उसके कत्ल का मशवरा दिया। हारून रशीद ने बेटे से मुखातिब होकर कहा, ये बेटे अगर तू उसे माफ कर दे तो तेरी मेहरबानी है और अगर नहीं कर सकता तो तू भी उसको माँ की गाली दे ले, लेकिन हद से तजावुज न करना और ना फिर तेरी तरफ से जुल्म होगा और दूसरे की तरफ से दावा। हमें इस वाक्य से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस वाक्य से यही सीखने को मिलता है, अगर कोई हमको माँ बहन की गाली दे दे या कुछ बुरा भला कह दे तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए, ना कि उससे बदला लेना चाहिए, क्योंकि माफ़ करना अच्छी बात है। जो शख्स माफ़ करता है अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करते हैं और दरगुजर करना बहुत ही अच्छा काम है। जो लोग सब्र करते हैं और अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं।